शासन के साफ साफ निर्देश होने के बाद भी निर्वाचित महिला पार्षदों को महत्वपूर्ण बैठकों में बोलने ही नहीं दिया जा रहा। शासन के निर्देश हैं कि चाहे वो महिला हो या पुरुष, किसी भी विभाग की शासकीय या विकास कार्यों की बैठक हो, निर्वाचित प्रतिनिधि ही अपनी भूमिका उस बैठक में अदा करें, लेकिन महिला पार्षद हो या महिला सरपंच, उनके पति प्रतिनिधियों के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो वहीं निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जा रहा। निर्वाचित महिलाओं के पति बैठकों में रायशुमारी करते नजर आ रहे हैं और महिला पार्षद पूरी बैठक में चुप्पी साधे रहती हैं। सरकार ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण लागू किया, लेकिन नगरपालिका रैली में महिलाओं के अधिकारों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ तस्वीरें कैमरे के सामने आई तो मीडिया ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवराज सोनी से इस विषय में सवाल किया तो उनका कहना था कि भले ही पार्षद महिलाएं हैं, पर पतियों की पहचान और सामाजिक कार्यों में जनभागीदारी अधिक होती है, इसलिए वो अपनी बात रखने के लिए बैठकों में आ जाया करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार द्वारा अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है तो फिर उनके दायित्व का खुले रूप से हनन क्यों किया जा रहा है। बता दूं, अभी चूंकि नवीन परिषद हम लोगों की गठित हुई है और नवीन परिषद गठन होने के साथ अभी उत्साह है सभी में, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रतिनिधि हैं उनको भी थोड़ी सी परिषद की क्या प्रक्रिया होती है, बैठक में कैसे एजेंडे पास होते हैं, वो इच्छा जाहिर करी गई थी। और दूसरी बात, जो हमारे प्रतिनिधि महोदय हैं उनका ये कहना था कि चूँकि जनता से जैसे चौराहों पर या जनता से उनकी मुलाकात आते जाते रास्ते में ज़्यादा हो जाती है, ये बात बताए थे, तो उनने निवेदन किया तो उस निवेदन को हमने चूँकि परिषद के बाकी जो पुरुष सदस्य हैं पार्षद हैं उनके समक्ष हम लोगों ने बात रखी तो सभी ने कहा कि ठीक है इस बैठक में उनको आ जाने दें, लेकिन अगली बार से ध्यान रखा जाएगा और अगली बार से किसी बैठक में केवल और केवल पार्षद ही उपस्थित रहेंगे।